एपिसोड 120 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। जो एल्डर लोग बचे होते हैं वो लोग अपना पूरा दम लगा लेते हैं और बोलते हैं, यह हेवेली इमॉर्टल का ताकत चैन मैक्सियन, अब तुम मारे जाओगे। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देता है और चैन भी अपने ताकत से उन पर हमला कर देता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। सबको लगता है कि इस बार चैन मैक्सियन मर गया है, लेकिन चैन मैक्सियन को उस हमले से कुछ होता नहीं है। मास्टर बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? चैन बोलता है, मैं तुम्हें मारने से पहले कैसे मर सकता हूँ। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। मास्टर अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ गवा देता है और चिल्ला के बोलता है, जल्दी से फॉर्मेशन स्टार्ट करो। फिर वो सब लोग फॉर्मेशन बना देते हैं। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये फॉर्मेशन बना के बच जाओगे मुझसे? फिर वो थंडर ब्लेड से उन पर हमला कर देता है। मास्टर अपने मन में बोलता है, ये तो सही में बहुत ही डरावना है, अगर वो ऐसे ही हमला करता रहा तो मैं सरेंडर कर दूंगा। फिर वो सभी को बोलता है, चैन मैक्सियन अभी बहुत ही ज्यादा घायल है, हम सब लोग एक साथ हमला करके उसे मार सकते हैं। लेकिन चैन वो फॉर्मेशन पर हमला करता ही रहता है। मास्टर बोलता है, हे चैन मैक्सियन, तुम्हें क्या अपना पत्नी का जिंदगी का परवाह नहीं है क्या? फिर वो जैसे ही यज्जू पर हमला करता है, चैन का 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। यज्जू बोलती है, ये हेवीली इमॉर्टल फॉर्मेशन है, इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपना स्पिरिचुअल ट्रेजर का इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करोगे मुझे मारने के लिए? मास्टर घबराते हुए बोलता है, नहीं मुझे मरना नहीं है। तभी चैन वो फॉर्मेशन को तोड़ के अंदर आ जाता है और बोलता है, बताओ कौन मरना चाहता है? मास्टर बोलता है, ये ऐसे ही मौत के कगार में है और हम लोग यहाँ पर 100 इमॉर्टल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग एक साथ हमला करो इस पर, चैन मैक्सियन को मार डालो। मास्टर बोलता है, चैन मैक्सियन तुम पूरे कुंजू से लड़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कभी जीत नहीं पाओगे। चैन बोलता है, अगर मैं तुम्हें मार डाला तो ऐसे ही शांत हो जाएंगे सब। फिर वो चला के बोलता है, थंडर इमॉर्टल ब्लेड। फिर वो लीस का इस्तेमाल करके 100 इमॉर्टल को एक ही वार में मार डालता है। मास्टर बोलता है, ये नामुमकिन है, तुम तो ऐसे ही मौत के कगार पर हो, इसके अलावा तुम इतने घायल भी हो, तुम्हारे पास इतना ताकत आया कहाँ से? चैन बोलता है, तुम मेरे ताकत को बहुत ही कम समझ रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लॉन्गेविटी बॉडी का एक एबिलिटी है जिससे मैं हर सेकंड अपने आप को ठीक करता रहता हूँ। मास्टर उस पर हमला करते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अब तुम्हें मरना होगा। चैन उसके सर पे एक जोर से लात मारता है और बोलता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या करना है? कुंजू के लोग पहले पृथ्वी में रहते थे, लेकिन तुम लोग अब पृथ्वी से नफरत कर रहे हो, तुम लोग असली ताकत के सामने एक चींटी की तरह हो। कुंजू एक इमॉर्टल रिम है और क्लाउड हेवन सारे इमॉर्टल रिम का हेड है, तुम्हारे जैसे एक मॉर्टल इसे कभी भी तबाह नहीं कर पाएंगे। चैन बोलता है, तो ये शौक यहाँ का ताकतवर है ना? तभी चैन वो ताकत को तबाह कर देता है और बोलता है, अब बताओ तुम्हारा क्लाउड हेवन पैलेस का ताकत मेरे सामने टिक भी नहीं पाया, क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? मास्टर बोलता है, ये तो नामुमकिन है, मेरा सेक्टर का हेवीली वेपन मुझे धोखा देकर कैसे जा सकता है? चैन बोलता है, असली स्पिरिचुअल ट्रेजर के पास दिमाग होता है, उसे पता ही था मुझसे लड़के वो कभी जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चल गया, अब बताओ तुम्हें कुछ कहना है क्या? मास्टर बोलता है, इमॉर्टल चैन, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, यहाँ का सभी स्पिरिचुअल स्टोन सीक्रेट, और मैं आपका सेवा भी करता रहूंगा और आपको कुंजू का राजा भी बना दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। चैन बोलता है, अगर तुम मुझे 3 महीने पहले बोलते हैं तो मैं ये कर सकता था। फिर वो उसके बातों को फाड़ देता है और बोलता है, अब लेकिन तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। फिर चैन चला के बोलता है, तुम्हारे इतने सारे डिसाइबल मारे गए हैं फिर भी तुम बाहर नहीं आओगे क्या? क्या तुम्हें खोजने के लिए मुझे पूरा ये हेवन क्लाउड को तबाह करना होगा? तभी एक आदमी बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम पक्का गोल्डन कोर लेवल में जा सकते हो, तुम मुझे लड़ने के लिए क्यों उकसा रहे हो? चैन बोलता है, जबकि तुम्हें गोल्डन कोर लेवल के बारे में पता है तो तुम पिछले इमॉर्टल रिम के एल्डर होगे, तुम्हें तो पता ही होगा ये दुनिया हमारे लिए एक जेल की तरह है, मुझे हेवन का रास्ता जानना है। वो आदमी बोलता है, हेवन का रास्ता बंद है, तुम वापस चले जाओ। चैन बोलता है, अगर तुम खोले नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे डिसाइबल और पूरे क्लाउड हेवन को तबाह कर दूंगा। एल्डर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? चैन बोलता है, तुम हेवन का रास्ता खोल के मुझे अंदर आने दो या फिर बाहर में आकर मुझसे लड़ो। एल्डर बोलता है, ठीक है, मेरा नाम यून है, मैं बहुत सालों से कुंजू पर राज कर रहा हूँ, तुम पहले हो जो मुझसे लड़ने का हिम्मत किए हो, बच्चे तुम मुझे फोर्स करके बाहर ला दिए हो, मैं तुम्हारा आत्मा और बॉडी को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। तभी वो अपने आंखों से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को रोक देता है और बोलता है, 1000 साल तक जीने के लिए तुम्हें कुछ देना ही पड़ा होगा ना, चलो मैं गेस करता हूँ, जबकि अर्थ उतना एडवांस नहीं है, बिना कोई एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए इतने साल जीने का एक ही रास्ता है, स्टोन ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद तुम जिंदा होने के बाद भी एक लाश की तरह होगे जो अपना बॉडी को भी हिला नहीं पाता होगा, और यहाँ तक कि तुम्हारा आत्मा भी आसानी से बाहर नहीं आ पाया होगा। तुम उसके बाद सिर्फ एक ही काम किए होगे,
पूरा सदिया स्टोन चेंबर में बिताए होगे, और जब तुम एक बार बाहर आओगे तो तुम दोबारा से अपने आप को सील नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम अपने जान से हाथ गवा बैठोगे। मैं सही बोला हूँ ना यून? यू चिल्ला के बोलता है, अब लगता है तुम्हें मरना ही होगा। चैन बोलता है, तुम गोल्डन कोर लेवल में हो तो मैं डरता नहीं हूँ। फिर वो लिस को समन करके उस पर हमला कर देता है। यून उसके हमले को एक उंगली से रोक देता है और बोलता है, तुम तो एक चींटी से भी कमजोर हो। चैन बोलता है, तो ये है गोल्डन कोर लेवल का ताकत, सही में ये इतना भी बुरा नहीं है, लो फिर से मेरे हमले से बच के दिखाओ। यून आराम से अपने उंगली से चैन के सभी हमले को रोक देता है और बोलता है, अब मेरी बारी है। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये डायमेंशन तो मुझे पीछे हटा रहा है, ये डायमेंशन में जो भी चीज है वो मेरा दुश्मन हो रहा है अपने आप, सही में ये इस दुनिया का असली भगवान है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। चैन लिस का इस्तेमाल करके फिर से यून पर हमला कर देता है। यून आराम से उसके हमले से बच जाता है और उस पर हमला कर देता है। चैन अपना इमॉर्टल थंडर इस्तेमाल करके उसके हमले से बचने की कोशिश करता है। यून का हमला से वो तलवार पूरी तरह टूट जाता है और चैन भी उस हमले को रोक नहीं पाता है, और वो 3-4 पहाड़ तोड़ फोड़ के बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है। यून भी उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, इमॉर्टल ब्लेड का दूसरा पार्ट, सन और मून को काटने वाला ब्लेड, और वो यून पर हमला कर देता है। लेकिन यून का ताकत ज्यादा होने के कारण चैन उस हमले से बच नहीं पाता है और वो जमीन में जाकर गिर जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं सही में गोल्डन कोर लेवल को बहुत ही कम समझा। यून बोलता है, क्या तुम्हें अभी और लड़ना है क्या? चैन बोलता है, बिल्कुल। फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं इसका इस्तेमाल 1 महीने बाद करता तो ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। फिर वो साइकिल ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करके अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लेता है। यून शॉक्ड होकर बोलता है, इमॉर्टेलिटी? तुमने इमॉर्टेलिटी हासिल कर लिया? तुम्हारे शरीर में तो इमॉर्टेलिटी का ताकत है, ये सही में मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हे बच्चे, मैं तुम्हारे आत्मा को पूरी तरह चूस लूंगा, तुम्हारा जो भी राज है मुझे पता चल जाएगा। चैन बोलता है, लेकिन तुम ये कभी कर नहीं पाओगे। अब मेरा 5 एलिमेंट का थंडर का स्वाद चखो। यून बोलता है, एक और इमॉर्टल टेक्निक, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, मैं तो इसे अपने गोल्डन कोर लेवल के प्रीमॉडियल की से रोक सकता हूँ। और वो चैन के 5 थंडर पर हमला कर देता है, जिससे उसका 5 थंडर सील पूरी तरह तबाह हो जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये 5 थंडर सील असल में स्पिरिचुअल ट्रेजर था ही नहीं, ये अभी गोल्डन कोर लेवल से कभी भी जीत नहीं सकता है। फिर यून चैन पर हमला कर देता है, अभी भी मौका है, हार मान लो तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। चैन बोलता है, सपना देखो, और वो फिर से यून पर हमला कर देता है। यून उसे मारकर फिर से जमीन में फेंक देता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये लाइफ साइकिल का ताकत जल्दी खत्म होने वाला है। यून बोलता है, हार मान लो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन हंसते हुए बोलता है, मैं अपने ताकत को सही में बहुत ही ज्यादा समझ रहा था, मुझे लगा कि मैं गोल्डन कोर लेवल को मैं अपने नॉर्मल टेक्निक से हरा सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। यून, मैं तुम्हें अपना ब्लेड का ताकत दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तुम बिना अफसोस किए हुए मर सकोगे। यह मेरा ग्रेट एनर्जी टाइम, इसका इस्तेमाल करके टाइको पूरी दुनिया में राज किया था। मेरे पास ज्यादा कल्टीवेशन बचा नहीं है, तो इसका हर एक हमले को इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपना जिंदगी का कुछ साल देना होगा। यून अपने मन में बोलता है, इसका एक बार इस्तेमाल होता है तो पूरा स्पेस रुक जाता है, हवा बहने से रुक जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, और यहाँ तक कि इंसान का आत्मा भी जम जाता है। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। यून शॉक्ड होकर बोलता है, ये किस तरह का एनर्जी है, तुम मुझे बीच से काटने वाले थे। चैन बोलता है, अब मेरे दूसरे हमले से बच के दिखाओ। यून चिल्ला के बोलता है, नहीं। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। यून को पता ही नहीं चलता है कि उसका हार्ट कट जाता है। यून अपने हाथ को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो समय का ताकत है। चैन बैक्सियन, तुम समय का ताकत पर काबू कर लिए हो, मुझे सही में तुम्हारा कोई एनर्जी और टेक्निक नहीं चाहिए, चलो हाथ मिला लेते हैं और यहीं पर सब कुछ खत्म कर देते हैं। चैन बोलता है, मेरे तीसरे हमले से बच के दिखाओ। यून भी उस पर अपने ड्रैगन से हमला कर देता है, जिससे चैन का एक पूरा हार्ट ही कट जाता है, और यून भी चैन के हमले को रोक नहीं पाता है। चैन के हमले से वो बीच से कट जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा होता है और वो गुस्से से बोलता है, चैन बैक्सियन, मैं अब तुम्हें मार डालूंगा अगर मुझे गोल्डन कोर लेवल का इस्तेमाल करना पड़े, जिसका कीमत मुझे पूरा जिंदगी देना पड़े अपना। तुम्हें क्या लगता है, तुम कितना बार ये समय का ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे? लेकिन मैं तुम्हारा बॉडी और टाइम का इस्तेमाल करके फिर से जिंदा हो जाऊंगा और पूरी जिंदगी में राज करूंगा। चैन बोलता है, ओ ऐसा बात है क्या? समय एम्परर ऑफ टाइको, बाहर आओ, अब तुम मेरा आखिरी हमले से बच के दिखाओ। यून वहां से भागते हुए बोलता है, नहीं मुझे जाने दो, लेकिन चैन उसे मार डालता है।
यून बोलता है, मैं एक भगवान हूँ, तुम मुझे मार कैसे सकते हो। और यून कुछ ही देर में वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर चैन निशिम आकर अपने आप को रिकवर करता है। सब लोग आपस में बात करते हैं। एक आदमी बोलता है, चैन बैक्सून जीत गया है, अभी चैन बैक्सून बहुत ही कमजोर है, क्या हम लोग इसे मार डाले क्या। दूसरा आदमी बोलता है, नहीं मेरे पास इतना दम नहीं है। वो आदमी बोलता है, अगर हम लोग चैन को अभी नहीं मारे तो गुंजू में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरा आदमी बोलता है, नहीं मुझे जाने दो, मेरा बच्चा लोग घर में इंतजार कर रहा है। तभी फायर स्पिरिट का किंग और बाकी के सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं फायर स्पिरिट का राजा हूँ, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करने आया हूँ। और बाकी के सभी लोग चैन को आकर बधाई देने लगते हैं। वी बोलती है, ये तो सही बोल रहा था कि ये अकेले कुंजू किंगडम को हरा सकता है। जुआ रोते हुए बोलती है, मास्टर आखिरकार जीत गए, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बात है। चैन बोलता है, जो भी पृथ्वी में जाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा, ये बात कुंजू किंगडम के सभी लोगों को बता देना। वो लोग बोलते हैं, ठीक है मास्टर, हम लोग आपका सभी बात मानेंगे। चैन वहां से जाते हुए बोलता है, 7 बड़े सेक्टर को मुझसे मिलने बुलाओ, नहीं तो मैं उन सभी का सेक्टर को तबाह कर दूंगा। यू बोलती है, अब ये सेवन ग्रेट सेक्टर से बल्ला लेगा। एक आदमी हंसते हुए बोलता है, ये हुआ ना बात, वो लोग पिछले 1000 सालों से अपने ताकत का भाव दिखा रहे हैं, सही में अब उन लोगों का चेहरा देखने लायक होगा। फिर सभी 7 बड़े सेक्टर के लोग चैन से मिलने चले जाते हैं और सभी लोग डर के मारे चैन के सामने झुक जाते हैं। चैन बोलता है, अब से मैं कुंजू किंगडम का एक नया मास्टर हूँ।